हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आज का सेशन में हम लोग देखेंगे ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर और कुछ चार ब्रेकआउट स्टॉक फॉर ट्रिम स्विंग ट्रेडिंग और कुछ स्टॉक के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे जो हमारा ऑलरेडी पोजीशन में है। सबसे पहले निफ्टी में देखें तो आज जो फाइनेंशियल सेक्टर तो वीक है, तो काफ़ी कल लेटर ऑफ में भी कल सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद आज भी अराउंड 100 पॉइंट निफ्टी नीचे और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट। मेजर बैंक HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI, सब बैंक में अब आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। रिलायंस थोड़ा बहुत संभाल लिया और अदानी एंटरप्राइज थोड़ा बहुत ठीक ठाक है और फार्मा मैं आज मेजर कंट्रीब्यूटर है जो निफ्टी में, तो थोड़ा बहुत संभाल लिया फार्मा का वजह से, फार्मा लुपिन हो गया। बाकी जितना भी फार्मा सेक्टर है आज बुलिश है, तो ठीक है सेक्टोरियल रोटेशन चल रहा है और तो चलता रहेगा। जो हमारा जो हम लोग रेगुलर बेसिस में जो मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में ट्रेड लेते हैं, जो हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग HPL पावर में हम लोग ट्रेड लिए थे अराउंड, आप देख सकते हो उस दिन का 13 तारीख को लास्ट मंथ दिसंबर में, तो उसके बाद हमारा वो स्टॉप लॉस भी है नहीं, जो ये कैंडल वो प्रीवियस कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस भी है नहीं, तो एक हफ्ता थोड़ा साइडवेज था। उसके बाद आज 3-4 दिन से लगातार मोमेंटम में है, इनफैक्ट अभी अपर सर्किट 3 दिन से लगातार अपर सर्किट में, तो अभी क्या ऑल टाइम है, ब्रेक भी किया अभी तो ऑलरेडी हमारा कहने पे लिया है, तो उसको प्रॉफिट को ट्रेल कीजिएगा अराउंड 260 से 270 के आसपास प्रॉफिट ट्रेल कीजिएगा, और कोई जो बेचने का जल्दबाज मत कीजिएगा जो अभी ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो और जाने दीजिएगा, देखते हैं क्या होता है उसके। तो काफ़ी कुछ स्टॉक है जो हमारा फेवर में चलता है, जैसे कि सदर्न पेट्रोलियम में SPIC, उसका बारे में हम लोग एनालिसिस किए थे आप जानते होंगे, तो आज भी एकदम मस्त, तो कल ही इसका वाला मैंने एनालिसिस किए थे। जैसे कि मैं कल भी बताया था जो आज का कल का जो हाई ब्रेक करे तो आज एंट्री बनता है, तो जैसे कि एंट्री बना आज अराउंड 4.5% ऊपर कामकाज किया, तो आप प्रॉफिट में एंजॉय कीजिएगा। रेल टेल भी ज़बरदस्त चल रहा है, रेल टेल भी देख लेते हैं क्या एक ऑर्डर के बाद रेल टेल देख लीजिए, ये भी ठीक ठाक चल रहा है। परसों 2 दिन हो गया इसको एनालिसिस करके, उसके बाद ठीक ठाक चल रहा है रेल टेल भी और कल्याणी स्टील्स वो भी देख लेते हैं। कल्याणी स्टील्स वो भी देख लीजिए, अभी जो एक हैंडल बना उसके बाद 3 दिन अब लगातार इंसेक्ट बार बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ कल एकदम ज़बरदस्त एक मैसिव मूव था उसमें, आज थोड़ा बहुत उसमें ऊपर के लेवल से थोड़ा संभाल लिया, मार्केट भी थोड़ा बहुत बैरिश है, ठीक है ज़बरदस्त चल रहा है। और एक हमारा स्टार परफॉर्मर है तो NMDC वो एक 1.5 महीने से होल्ड कर रहा है, NMDC ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो जैसे कि पता ही आपको जो हमारा ब्रेकआउट लेवल पर एंट्री थी, जो ये कैंडल बना उसके बाद एंट्री थी, तो उसके बाद आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आप देख सकते हो अराउंड 29% रिटर्न दे दिया ऑलरेडी, 29% रिटर्न दिया 1.5 महीना हम लोग होल्ड किया उसके NMDC के, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहा लेकिन फिर भी हमारा जो अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आज भी अराउंड आप देख सकते हो 3.5% ऊपर है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब जो हमारा 9 EMA का जो ए लाइन है तो उसके नीचे कभी आया नहीं, दो लगातार कैंडल आना चाहिए, तब उसके बाद ही हमारा एग्जिट होता है, तो तब तक उसको राइड कीजिएगा, प्रॉफिट एन्जॉय कीजिएगा। ये भी एक ज़बरदस्त ये अपना स्टॉक है NMDC, जैसे कि PSU सेक्टर में मैं बुलिश हूँ लास्ट ईयर भी और ये बिगनिंग में भी, देखते हैं अच्छा परफॉर्म करेगा। फ्रेंड्स आज का जो मेजर डेवलपमेंट है 35,000 करोड़ ऑर्डर बुक और DSP रिसेंटली अपना स्टेक इंक्रीज़ किया, और स्टॉक का बारे में एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है KEC इंटरनेशनल, जो KEC इंटरनेशनल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोक्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मेजर है, जो काफ़ी अच्छा एक कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, तो अभी बहुत सारा अच्छा रिटर्न भी दे दिया उसको, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, तो अभी काफ़ी इसका जो अभी जो फिलहाल तो प्रेजेंस है वर्टिकल ऑफ पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे सिविल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, अपना ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में भी इसमें बहुत सारा वर्टिकल में कामकाज कर रहा है इंटरनेशनली ग्लोबली ग्लोबल प्रेजेंस है इसका, तो कंपनी का टोटल ओवरऑल ऑर्डर बुक है 35,000 करोड़, मैसिव ऑर्डर बुक है, तो अभी RPG ग्रुप का एक कंपनी है, तो आप देख सकते हो लास्ट मंथ कंपनी अभी ऑर्डर प्रोक्योर किया एक अराउंड 1,000 करोड़ का एक ऑर्डर ऑलरेडी ये किया, और जो अभी रिसेंटली जो ऑर्डर है 1,566 न्यू अभी नया ऑर्डर है, वो जो ऑर्डर है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए तो पावर सेक्टर का, जो काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है, इसको फंडामेंटली बहुत अच्छा है, हम लोग चार्ट में अभी जाके देखेंगे। ये अभी पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, अभी जो ट्रेडिंग में कुछ नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर होना चाहिए। फ्रेंड्स ये KEC इंटरनेशनल वीकली चार्ट है, जैसे कि मैं बताया वीकली
चार्ट क्यों है, क्योंकि ये पोजिशनल ये होगा, ये अपना पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो इसके लिए हम लोग वीकली चार्ट में एनालिसिस करते हैं। जैसे कि इसका क्लियर बेस है, हायर हाई फॉर्मेशन है, तो अप ट्रेंड है, लगातार अप ट्रेंड में, अभी जो एक्चुअली करेक्शन मोड में अपना अपना स्टॉक है, जो अच्छा अच्छा टाइम है एंट्री के लिए, लगातार अभी 580 के आसपास उसका बेस है, तो वो अभी अच्छा मौका है, तो अभी जो भी है जिसके पास है उसको अपना ऐड करने के लिए, और जिस जो नया नया एंट्री भी ये लेवल में टिक टाक लग रहा है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। जो केसी इंटरनेशनल जो एक मल्टीबैगर स्टॉक है, तो उसका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, इवन फंडामेंटल भी बहुत ठीक ठाक ही है, तो उसको ज़रूर उसका आप कंसिडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो पहला स्टॉक है, जो अगेन आज दो स्टॉक मतलब चार स्टॉक का बारे में डिस्कस करेंगे, पर उसमें से दो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, जो जो फार्मा सेक्टर आज बुलिश है, इसके लिए हम लोग को सुवेन लाइफ साइंस को अब पहला ऐसा स्टॉक है जो स्विंग ट्रेडिंग की उसमें अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आज का जो हाई है अराउंड लगभग आप देख सकते हो 91 का हाई है आज, जो कल अगर उसके ऊपर ओपन होता है और होल्ड करता है, तो हम लोग को अराउंड 10 बजे के आसपास हम लोग उसमें एंट्री बनता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है जो लगभग अराउंड 84 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 84 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो हम लोग कल सुबह देखेंगे क्या कैसा प्ले आउट होता है। दूसरा एक स्टॉक है डिशमैन कार्बोजन, डिशमैन कार्बोजन ये भी एक अपना 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्टॉक है, आज भी लगातार दो दिन में आपको एक आप ये देख सकते हो क्या है अपना वॉल्यूम बिल्डअप देख सकते हो, तो आज भी 8% ऊपर काम काज किया, जैसे ही कल भी इसको प्राइस एक्शन देखेंगे, जैसे कि अपना आज एंट्री बनता है, आज का जो हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग का उसका क्लियर कट एंट्री बनता है, जो अपना ब्रेकआउट कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा सुवेन अपना इसमें डिशमैन कार्बोजन में। फ्रेंड्स, आज का जो दूसरा अपना तीसरा स्टॉक है अगेन फार्मा सेक्टर ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का है, तो अभी का एक अप ट्रेंड के बाद काफ़ी समय उसमें अराउंड लगभग 680-675 का लेवल में कंसोलिडेट किया, लगभग 3-4 महीने कंसोलिडेट होने के बाद आज जो लेवल अपना जो कंसोलिडेशन जो ये लेवल है ब्रेकआउट किया, जो एंटायर फार्मा सेक्टर बुलिश है, तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट लिस्ट किया, आज वॉल्यूम भी बिल्डअप देखने को मिल रहा है आपको, उसको जरूर वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा, जैसे इसमें कल हमारा हाई ब्रेक करता है उसमें एंट्री बनता है, हमारा ट्रेड ट्रिगर होता है, जो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ब्रेकआउट कैंडल का अपना लो स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसके जो बात आप जैसे देखते हैं हमारा कैसा प्ले आउट होता है जैसे पर्टिकुलर काउंटर। तो और चौथा स्टॉक होगा आज का लास्ट स्टॉक है जो कैंपस एक्टिवेयर, कैंपस एक्टिवेयर लगभग लास्ट 2-3 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, अभी एक्चुअली करेक्शन मोड में फिलहाल, तो ट्रिपल बॉटम बना के जो उसका बेस है शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, जो हम लोग क्या करेंगे आज का जो लो स्टॉप लॉस लगा 285 के एक स्टॉप लॉस लगा के, तो हम लोग 1:2 रिस्क रिवार्ड के लिए काम करेंगे, 1:2 रिस्क रिवार्ड के लिए हम लोग काम करेंगे, लगभग अराउंड 315 का हमारा इनिशियल टारगेट होना चाहिए, उसके बाद देखते हैं अभी जैसे कि हमारा फेवर में मूवमेंट आता है तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। कैंपस एक्टिव है, ये चारों स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा, कोई भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, कोई मेरा सिर्फ व्यू पॉइंट है, कोई बाइंग एंड रिकमेंडेशन नहीं है, सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।